के अंत में आज हम और एक नए कविता लिखने जा रहे हैं, वह है मन। विकास परिहार जी की यह कविता और खासकर हमारे लिए भी यह नई कविता है। हिंदी साहित्य में जापानी भाषा की यह, अगर यह भी हम कहें दुनिया की सबसे छोटी कविता है जापानी भाषा की, हाइकू। हाइकू उसी को कहा गया है जो सबसे छोटी होती है। यह भी इस विधा में हाइकू शैली में यह कविता लिखी गई है। हाइकू जापानी शैली की लघु कविता मानी गई है। इसमें 17 वर्ण हैं। पहली पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं, दूसरी में 7 वर्ण और तीसरे में फिर 5 वर्ण होते हैं। इसी तरह से ढांचे में यह लिखी जाती है। अपने अनुभव को सीमित शब्दों में साझा किया जाता है। विश्व की सबसे छोटी लघु कविता हाइकू को कहा जाता है। अब यह हाइकू हिंदी में भी स्थायी रूप से अग्रसर है, केवल जापान में ही नहीं तो हिंदी भाषा में भी यह आ चुकी है और हमारे लिए यह गर्व की बात है। तो यह कविता ने यहाँ पर अलग अलग उदाहरणों के तरीके से यह हमें इस कविता के माध्यम से सुनाया है। मैं एक और आपको वीडियो, यहाँ दूसरा वीडियो डालने जा रहा हूँ, जो उसको भी आप देख सकते हैं और देखकर भी बाद में मैं आपके और मेरे बीच में जो होने वाले संवाद हैं वो पूरी तरह से नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप उसको पढ़कर या जो कुछ बताया जा रहा है उसको सुनकर पूरी तरह से जान सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, ऊपर जैसे कि मन कविता का परिचय संक्षिप्त में दिया गया है, एक वीडियो भी आपको भेजा गया है, निश्चित रूप से आप उसको देख चुके होंगे। यह जो कविता का अर्थ है संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कवि ने कहा है, उसका एक अर्थ संक्षिप्त में है, अगर अंधेरा घना हो तो थोड़ा प्रकाश भी अधिक लगता है। एक अंधेरे में छोटी सी किरण भी हमें जुगनू की किरण क्यों ना हो, उजियाला क्यों ना हो, वह बहुत ही बड़ा होता है। अंधेरे के बाद मिलने वाली रोशनी की चमक अधिक होती है। हम जीवन में बहुत सारे कर्म करते रहते हैं। कवि ने भी वही कहा है कि सारे जीवन में बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, केवल कर्म करते रहना हमारे वश में है, फल की आसक्ति न करें। अर्थात यह संभव नहीं है क्योंकि हम फल पाने के लिए कुछ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कवि ने यह कहा है कि फल की आसक्ति न करते हुए हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। जीवन के बारे में भी कवि यह कहता है कि जन्म से मृत्यु तक का सफर अर्थात जीवन, हम सबको यह सफर करना पड़ता है। कभी कभी मझधार में आकर जीवन नया डोलने लगती है, तब हमें संभालेगा कौन, यह प्रश्न मन में उभरता है। फागुन महीना वसंत ऋतु को साथ लेकर आता है, इस माह में होली का त्यौहार मनाते हैं। मानो फागुन अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेकर आता है, प्रकृति भी वसंत की बहार में रंग जाती है। आगे कवि एक गुलाब का उदाहरण देते हुए कहता है, फूलों का राजा है गुलाब, कांटों के बीच खिल खिलाकर हंसता है। मानो वह हमें प्रेरणा देता है कि संकटों में भी हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। जीवन में असफलता मिलने पर मन की घोर निराशा आंसुओं के द्वारा आंखों से बाहर आती है। निराशा के बारे में कवि कहता है, जब अभिलाषा पूरी नहीं होती तब मन निराश होता है, पर आंखों से छलके खारे पानी से मन के सारे दुख धुल जाते हैं और मन पावन हो जाता है। इस जीवन के बारे में कवि ने कहा है कि मन की आसक्ति के कारण जीवन में कितनी बार हमें अपमान का जहर भी पीना पड़ता है, हम जीते जी मृत्यु का अनुभव करते हैं। मन की वेदना जब सही नहीं जाती तब आंखों में बादल बनकर बरसने लगती है। पटियारियां एक साथ चलती है
पर कभी मिलती नहीं, बोलती नहीं, मौन ही रहती है। तारों के बारे में, आकाश के बारे में कभी ने कहा है कि तारों से भरा आकाश कितना सुंदर होता है, पर जब सारे सितारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं तब आकाश सुना हो जाता है। अपने प्रिय व्यक्ति द्वारा स्वर बद्ध हुए गीत अमर हो जाते हैं। सागर का पानी खारा होता है, वो पीने लायक नहीं होता, इसके कारण मछली सागर में रहती है पर प्यासी ही रह जाती है, उसकी प्यास नहीं बुझती। धन्यवाद।